हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आने वाली 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हरियाणा के 19 स्कूली बच्चे भी हिस्सा लेंगे। इन बच्चों का पूरे हरियाणा से चयन किया गया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने दी। इन विद्यार्थियों में 12वीं के 3-9 बच्चे, 11वीं के 10वीं का 1 और 9वीं के 5 छात्र शामिल होंगे। जिले के हिसाब से इस कार्यक्रम में पलवल और रेवाड़ी से 3, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, करनाल और नूह से 2 छात्र जाएंगे, जबकि फरीदाबाद, झज्जर और पंचकुला से 1-1 छात्र शामिल होगा। पहाड़ों से चल रही सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर को ठंड की चपेट में ले रखा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों को घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेडलाइट जलाने के बावजूद वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का असर ट्रेनों और हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी भारत में चल रही उत्तर पश्चिमी हवाएं पहाड़ों की ठंडक मैदानों में पहुंचा रही हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने थेहड़ मामले में सुनवाई करते हुए थेहड़ की तरफ दायर शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया। मामले में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जिसे कोई भी आपत्ति है वो 4 सप्ताह के अंदर अदालत के समक्ष पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। अदालत के इस निर्देश से थेहड़वासियों में न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हरियाणा सरकार की ओर से दायर शपथ में कहा गया है कि 1 साल के भीतर थेहड़ खाली करवाकर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा लगातार थेहड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोविंद कांडा ने बताया कि शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान के जरिए थेहड़ को लेकर एक शपथ पत्र पेश किया गया। इस शपथ पत्र में कहा गया है कि सिरसा के तत्कालीन 2 उपायुक्तों की ओर से कोर्ट में अलग रिपोर्ट पेश की गई थी, जिससे हजारों निर्दोष परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटकी हुई है। असली थेहड़ तो 31.5 एकड़ का था, जो खाली करवा लिया गया है। अंबाला में एक इनोवा कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 स्कूली बच्चे घायल हो गए। बच्चों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। कार में सवार लोगों को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया, पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कार में सवार लोग पंजाब पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने पंजाब पुलिस मुर्दाबाद और हरियाणा पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पलवल में कार और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 1 महिला की मौत हो गई। पूरी घटना चांदहट चौक के पास तड़के हुई। घायलों में 5 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। सभी घायल और मृत महिला फरीदाबाद के इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने घायलों को अपनी गाड़ी में नागरिक अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इको कार में सवार लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस आ रहे थे। रेवाड़ी में 2 निजी बसों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। गनीमत यह है कि बस में कम सवारी मौजूद थी, इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह हादसा रेवाड़ी महेंद्र रोड पर सिहा बुड़ौली गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि घटना ओवरटेक करने की कोशिश में हुई। हादसे में दोनों ही बसें क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को रेवाड़ी के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेवाड़ी में कोसली सालहावास रोड पर बने ओवरब्रिज में 9 साल में ही
उसका हाल खस्ता हो गया। स्कूल पर जगह जगह गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने स्कूल से भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी है और एहतियातन वहां पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इस ओवर ब्रिज के नीचे रेहड़ी और खोमचे वालों को भी फिलहाल प्रशासन ने वहां से हटा दिया है। 20 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था और 11 में इसे लोगों के लिए चालू कर दिया गया था, लेकिन अब 9 साल में ही पुल का हाल बेहाल हो गया। रोहित सलामी बल्लेबाज के तौर पर 7000 रन बनाने के मामले में हाशिम अमला और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने रोहित ने यह उपलब्धि 137 पारियों में हासिल की, जबकि हाशिम अमला ने 147 पारियों और सचिन तेंदुलकर ने 160 पारियों में यह कारनामा किया था। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले पायदान पर महाराष्ट्र का दबदबा कायम है। 8वें दिन की खेल खत्म होने तक महाराष्ट्र 42 गोल्ड, 43 सिल्वर, 65 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुका था। अंक तालिका में हरियाणा दूसरे पायदान पर अभी भी काबिज है। हरियाणा ने 8वें दिन तक 35 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल अपने खाते में किए थे। आपको बता दें कि खेलो इंडिया 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। रोम में चल रही रैंकिंग सीरीज कुश्ती में भारत की विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में विनेश ने इक्वाडोर की लुइसा एलिजाबेथ वाल्वरेड़ को हराया। आपको बता दें कि साल 2020 के लिए विनेश का यह पहला स्वर्ण पदक है। इसी टूर्नामेंट में पुरुष पहलवानों ने 2 रजत पदक जीते हैं।